Case number three when property partly let out and पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया चलो इसका एग्जाम्पल देखेंगे अब मेरा कहने का मतलब है के जो मेरा घर है ये मान लो जो रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे कि घर होता है और इस घर का एक कोना उसको दे देते हैं रहने के लिए ये स्टूडेंट के लिए है जिसको आप पीजी बोलते हो ठीक है ना तो इतना एरिया उनके लिए सेपरेट कर दिया भाई तूर है और बाकी का जो एरिया है ये मैं खुद रहूंगा तो जिसको मैं एसओ लिख रहा हूं यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड तो मैंने क्या कहा वेन प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट मतलब कुछ एरिया तो हमने किराए पे दे दिया और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मतलब एरिया के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर वाला भी केस हो सकता है हमारा फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर वाला भी केस हो सकता है चलिए एग्जाम्पल देखिए मुंसिपल वैल्यू तीन लाख फेयर रेंट दो लाख स्टैंडर्ड रेंट तीन लाख एम टी पचास हजार ट्वेंटी परसेंट एरिया ट्वेंटी परसेंट एरिया ट आउट लेट आउट एंड रेंट छ हजार पर मंथ छ हजार पर मंथ कैलकुलेट आई एच पी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये लोकोश्चन्स है तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है हमारा तो हम हर चीज को उस रेशो में बांट देते हैं तो यानी अब मुझे यहां पे कैसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा पता है अब देखो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं कि जल्दी से मुझे बता दे कि क्या होगा तो नहीं आपको पहले पूरी क्लास जब तक नहीं देखोगे पूरे कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे तो फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है फिर तो इसको दो पार्ट में बांट देंगे चीजों को समझना लॉजिकली हमने किस पार्ट में बांट दिया दो पार्ट में बांट दिया एक बांट दिया हमने देखो मैं लेट आउट को लेट आउट को मैं एलो बोल दूंगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड को मैं एसओ बोल दूंगा ठीक है एसओ बोल दूंगा शॉर्ट फॉर्म क्योंकि जगह नहीं है तो ये वाला एरिया मैं एलओ मान लेता हूं चलो ज्यादा एरिया पहले कुछ भी कर लो तो आपकी मर्जी है एसओ बोल दिया और ये बोल दिया लो ठीक है चलिए आ जाइए सबसे पहले हम देखेंगे म्यूनसिपल वैल्यू अब मुंसिपल वैल्यू को हम 80 और 20 में डिवाइड कर देंगे तो तीन लाख जो है उसको 80 और 20 में डिवाइड करोगे तो तीन लाख का जो हमारा ये 80 परसेंट होगा वो होगा दो चालीस ट्वेंटी परसेंट होगा सिक्सटी एक बार मैं करके भी दिखा देता हूं तीन लाख ,00 का पहले हमने एटी परसेंट कर लिया जो कि आया दो चालीस और तीन लाख ,00 का ही हमने ट्वेंटी परसेंट कर लिया जो कि आ गया सिक्सटी थाउजेंड तो ऐसे सब कुछ को बांटना हाँ, ईच एंड एवरीथिंग ऐसे ही बांटना पड़ेगा इसके बाद हम किसको लिखेंगे एफ आर को दो लाख ,00 है तो दो लाख का हमारा आ जाएगा एटी परसेंट एक लाख साठ हजार और ट्वेंटी परसेंट चालीस हजार क्या स्टैंडर्ड रेंट को भी बांटेंगे हाँ भाई हाँ स्टैंडर्ड रेंट को भी बांटेंगे तो स्टैंडर्ड रेंट तीन लाख है तो अगेन आ जाएगा दो चालीस और ये आ जाएगा हमारा साठ हजार तो इन तीनों को कंपेयर करके हम एक जो वैल्यू निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड कितना रेंट हमें मिल सकता है उसको क्या बोला हमने एक्सपेक्टेड रेंट कितना रेंट हमें मिल सकता है तो आप मुझे बताइए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हायर लोअर कर भी लिया एक पल को लेकिन रेंट क्या मेरा कोई एक्सपेक्टेड होगा जवाब है नो no. क्योंकि जब सेल्फ ऑक्युपाइड होता है तो केस नंबर वन याद करो आपका एन क्या आएगा नील लाएगा तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने इसका एक्सपेक्टेड रेंट क्या कर दिया जीरो कुछ बच्चे सोचेंगे दिमाग भी लगाएंगे कि इस दोनों में से हायर फिर इन दोनों में से लोअर एक साठ लगेगा उनको लेकिन ऐसा नहीं है जहां सेल्फ ऑक्यूपाइड आया मतलब पूरे साल के लिए ऐसा नहीं कुछ टाइम के लिए वो अलग करेंगे अभी तो उसको क्या मान लेना है जीरो अब यहां पे दिमाग लगाना है तो यहां पे क्या आएगा हमारा फोर्टी थाउजेंड रुपीज नहीं सिक्सटी सिक्सटी हो जाएगा ना तो यहां पे सिक्सटी थाउजेंड क्या आ गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्योंकि इन दोनों में से क्या कंपेयर किया हमने हायर और हायर 60 आया फिर 60 में से लोअर तो भाई कुछ बचा ही नहीं अब इसको किससे कंपेयर करोगे ए ट्रिपल आर से तो ए ट्रिपल आर बोलता है कितना किराया है जी हजार रुपए पर मंथ का तो इसको कैसे लिखे हम छजार हजार टू में बारह तो कितने आ गए बहत्तर हजार अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कंपेयर करने के बाद दैट इज जी ए बी तो जी ए बी इसका क्या होगा जीरो होगा और इसका क्या होगा सेवेंटी टू थाउजेंड इसका क्या होगा सेवेंटी टू थाउजेंड चलो आ जाइए अब हमारा एक तरीके से देखा जाए तो पिछला केस और दो केसेस को मिक्स करके बन रहा है ये एक तरीके से सो सोचो तो इसके बाद हमारा जीएवी निकल गया हमारा जीएवी के बाद हम क्या माइनस करें MT. MT, अब एमटी को भी दो बाट में बांटना पड़ेगा यानी एम टी कितना है पचास हजार तो पचास हजार का अस्सी परसेंट होता है चालीस हजार दस हजार तो यहां पे तो माइनस कर ही नहीं सकते जीरो यहां पे दस हजार आ जाएगा समझे बात आप तो इन सभी को माइनस जब कर देंगे इसमें से इसको तो ये आ जाएगा हमारा एन ए वी नेट एनुअल वैल्यू तो जीरो आ गया और ये आ गया हमारा सिक्सटी टू जीरो आ गया और क्या आ सिक्सटी टू इसमें से क्या माइनस कर देंगे अब हम ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां तो कुछ लगना ही नहीं है जीरो पे निकालोगे तो इसीलिए जब सेल्फ ऑक्यूपाइड आ जाए ना तो सीधा जीरो कर दो ठीक है यहां पे सिक्सटी टू थाउजेंड का आएगा सिक्सटी टू थाउजेंड थर्टी परसेंट तो अठारह हजार छ सौ अठारह हजार छ सौ इसको जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आया तिरतालीस चार सौ और ये जीरो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आ गया इनकम आईएचपी तो लेट आउट प्लस में सेल्फ ऑक्यूपाइड तो जीरो प्लस में तिरतालीस हजार चार सौ तो जवाब आ गया सर तिरतालीस हजार चार सौ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब इसके ऊपर टैक्स देना है नहीं देना है वो बाद का मैटर है लेकिन आपको निकालना तो पड़ेगा ठीक है तो पहला केस क्या कह रहा था हमारा जब हमारा घर खुद ही रहेंगे तो कैसे होगा देखा दूसरा केस मैंने क्या कराया जब पूरे साल किस पे हो किराए पे अब तीसरा केस करने जाले हैं जब कुछ स, तीसरा केस क्या किया जब कुछ कुछ पार्ट पे हम रह रहे हैं और कुछ पार्ट पे किराए पे रह रहे हैं ठीक है ना अब आ जाइए सर अगले केस पे केस नंबर चार केस नंबर चार <laughs> वेन प्रॉपर्टी Let partly let out, let out, and partly let out, and partly self occupied. मेरा घर जो है मान लो कि दो महीने खाली रहता है तो मैंने दो महीने के लिए कोई ऐसा किराएदार ढूंढा दो महीने रह ले भाई और उसके बाद बाकी के दस महीने मैं खुद ही रहता हूं सपोज करो कि मुझे स्कूल से दो महीने की छुट्टी मिलती है मैं एक टीचर हूं और स्कूल में जॉब कर रहा हूं तो मेरा दो महीने के लिए मकान खाली रहता है और मैं दो महीने के लिए गांव चले जाता हूं घूमने के लिए मैंने क्या करा दो महीने के लिए हर बार एक किराएदार पकड़ के लाता हूं और दो महीने के लिए मैं दे देता हूं ताकि कुछ इनकम हो जाए फिर जब मैं दो महीने बाद वापस आता हूं तो मैं खुद रह लेता हूँ यानी घर को आपने किराए पे भी दे रखा है और खुद भी रह रहे हो यानी ये दोनों है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है और लेट आउट भी है तो अगर मैं बात करता हूं तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल देख लेते हैं म्यूनसिपल वैल्यू तीन लाख फेयर रेंट चार लाख स्टैंडर्ड रेंट दो लाख मुसिपल टैक्स टेन परसेंट द प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर टू मंथ बैलेंस मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड बैलेंस मंथ में क्या हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो कैसे करेंगे देखिए गवर्नमेंट ऐसा करने पे आपको पनिशमेंट देती है पनिशमेंट मतलब यहां पे टैक्स की चोरी बहुत हो सकती है तो गवर्नमेंट ने बोला भैया इस टैक्स की चोरी को इस झंझट से ही हटा देते हैं टैक्स की चोरी की टेंशन को ही हम क्या करते हैं खत्म कर देते हैं कैसे टैक्स की चोरी हो सकती है हर बार बोले सर मेरा घर तो एक महीने किराए पे था और बाकी मैंने खुद ही रह रहा था मैं तो गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे टाइम जो एरिया वाला था वहां तो हम हर चीजों को बांट रहे थे क्योंकि साफ साफ दिख रहा था लेकिन ये वाली बात साफ साफ नहीं दिख रहा आपका तो जो भी चीजें हैं उसको किसी को टाइम बेसिस पे नहीं बांटा जाएगा कहीं आप सोचो कि भैया इसको हम क्या करते हैं दो और दस के रेशो में कर दें क्योंकि बारह है ना आपका तो दो दस के रेशो में नहीं होगा तो ये सिंपल क्या चलेगा आपका सिंपल चलेगा ये कि मुंसिपल वैल्यू आपका माना जाएगा ये नॉर्मल मैनर में कैलकुलेशन जाएगा कितना तीन लाख इसको कंपेयर करोगे फेयर रेंट कितने होंगे चार लाख स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है कितने दो लाख ,00 तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ गया दो लाख ,00 और यहां पे एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल कितना दे रखा है हमारा नहीं दिया तो लेट आउट बैलेंस मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंट जो है हमारा रेंट इज इक्वल टू छजार पर मंथ कर दिया मैंने या सोलह हजार पर मंथ कर दिया चलो तो एक्चुअल रेंट कितना होगा सोलह हजार इंटू में टू तो कितने हो गए बत्तीस हजार अब ऐसे सिचुएशन में क्या लगता है हमारा हायर तो यहां पे आपका जीएवी क्या निकल के आएगा सर जीएवी आएगा आपका दो लाख तो देखो ये पनिशमेंट ही तो हुआ आपको कि असलियत में आप रेंट कितना ले रहे थे दो लाख रुपए बत्तीस हजार लेकिन आपको टैक्स किस पे देना पड़ेगा तो सरकार बोलती है ऐसा मत करो कुछ समय मत दो किराए पे आप या तो आप पूरा रह लो या पूरे टाइम किराए पे दे दो तो हम सोचेंगे उसके बारे में इस वाले पॉइंट पे ना मैं थोड़ा स्टार भी लगा देता हूं ये पॉइंट को मैं एक और भी इसका हिस्सा होता है जब कोर्ट में केस चला जाता है तब कई बार उसे बत्तीस हजार पे टैक्स देना पड़ता है मतलब बच जाता है वो तो वो कैसा सिचुएशन हो सकता है वो भी देखेंगे हम ठीक है यहां पे वेकेंसी नहीं है वो वेकेंसी में आता है तो इन दोनों में से हायर आ जाएगा तो माइनस करेंगे क्या म्यूनिपल टैक्स म्यूनिपल टैक्स कितना बोला हुआ है टेन परसेंट तो टेन परसेंट इसका यानी थर्टी थाउजेंड तो बचा कितना वन लैख सेवेंटी थाउजेंड ये क्या निकल के आया हमारा एन इसके अंदर क्या माइनस करेंगे थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एक लाख सत्तर हजार का थर्टी परसेंट इक्यावन हजार तो जो हमारा आई आ जाएगा वो आ जाएगा एक लाख उन्नीस हजार आई आ गया एक लाख उन्नीस हजार तो समझ में आई क्या बात आपको आ रेनु का कहना है सर सोलह सोलह लाख इंटू में बारह बारह नहीं करेंगे दो करेंगे क्योंकि हमारा घर जो था दो महीने के लिए किराए पे था सिर्फ बाकी के दस महीने तो हम खुद रह रहे हैं ठीक है इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैंने स्टार लगा दिया है इसको मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है आगे जैसे जैसे केसेस आएगा तो और अच्छे से मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले यहां तक बताइए कोई डाउट हमने कितने केस कर लिए चार पहले केस में मैं खुद रहूंगा तो भैया सीधा जीरो करो एने दूसरे में सेल्फ ऑक्यूपाइड तो नॉर्मल मैनर में कैलकुलेशन तीसरे में लेट आउट और फिर सेल्फ ऑक्युपाइड एरिया के बेसिस पे तो भैया सबको बांट दो एरिया के बेसिस पे चौथा केस भैया टाइम के बेसिस पे कर रहे हो तो भैया कुछ नहीं बटेगा नॉर्मल मैनर में क्या हो जाएगा ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके तो उसके अंदर ये नहीं पता चलेगा आपको जितने केसेस याद है उसके हिसाब से पता चलेगा